हांडी और 50 किलो ब्रांडी का रिकॉर्ड बना चुके हैं सर। दोबारा भाई भाई और सर भाई आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका अपना हरियाणा। आज मैं हूँ खरड़ में, पंजाब में। और भाई साहब फाइनली मैंने पंजाब में ढूंढ निकाला है मटका अहुना चंपारण मीट। आज आई एम आउट ऑफ वर्ड्स। द रीजन वाई एम सो हैप्पी इज बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम आई विल बी ट्राइंग द अहुना मीट, द वर्ल्ड फेमस, द लेजेंडरी अहुना मीट। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आ जाओ मेरे साथ, आज तो बहुत मजा आने वाला है। तो हमारे साथ हैं जी बिहार से ऋतिक भैया, मोतिहारी जिला से हैं। और ये देखो जी अहुना मीट की तैयारी चल रही है। एक मिनट में आता भैया। एक बड़े से थाल में ये आ गया जी मटन, फ्रेश मटन और खूब सारा प्याज। और ये कुछ मसाले आ रहे हैं जी। सबसे पहले तो नमक आया और हल्दी आई है। ये आ गया जी जिंजर गार्लिक पेस्ट, खड़े मसाले। ये है जी खड़े मसाले, खड़े मसालों का एक तरह से कंकॉक्शन है पूरा। अजवाइन दिख रही है, लाल मिर्ची दिख रही है सूखी, और सौंफ है, और दी अरोमा इज मैजिकल यार। और ये आ गया जी सरसों का तेल इस मैरिनेशन के अंदर। तैयारी भी बोल लो इसको, मैरिनेशन बोल लो। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लिया जाएगा। मैंने ना वहाँ राजस्थान में खाया था जंगली मांस, वो तो जंगली मांस है ना, उसको भी ऐसे ही बनाते हैं, पर उसका तरीका थोड़ा डिफरेंट है। उसमें सिर्फ मिर्ची, प्याज और ये मटन होता है। आपने ये कहाँ से सीखा? मैं तो बिहार से। नहीं नहीं, मतलब उस्ताद जी से सीखा बिहार में या? मेरे यहाँ जयसवाल होटल सिर्फ सबसे फेमस है। अच्छा, जयसवाल होटल बिहार में कहाँ पे? बिहार में चितौनी बस स्टैंड के जस्ट अपोजिट। क्या बात है, वहाँ कहीं जाएंगे ना तो ज़रूर वहाँ पे खा के आएंगे। चितौनी बस स्टैंड, जयसवाल होटल चितौनी बस स्टैंड बिहार में। कितने साल सीखा आपने वहाँ? मैंने ज़्यादा नहीं, दो ढाई साल लगाए। दो ढाई साल? दो ढाई साल। क्या बात है। ये इसको खाने की ना, जब मैं वीडियो देखता हूँ यूट्यूब पे तो ऐसा मन करता है कि यार अभी बिहार पहुँच जाओ। ये इतनी बढ़िया चीज़ लगती है देखने में। घुमाएंगे सर आपको कभी? ज़रूर ज़रूर ज़रूर, बिहार में तो मज़ा ही आ जाएगा। अगले महीने जा रहा हूँ। अरे वाह भाई, आपका नंबर मैं लेके जाऊँगा, शायद नेक्स्ट मंथ मैं भी बिहार जाऊँ। पटना जाना है मेरा मन है। तो पटना में, पटना पास ही आते हैं। आप मोतिहारी से होके जाओगे? मोतिहारी से। अच्छा, अगर मैं पटना गया ना तो आपको फ़ोन करूँगा, अगर आप फ्री हुए तो मिलना ज़रूर। डन डन डन। ये बना के दिखाइए अभी, क्या इसके बाद क्या होगा इसमें? ऋतिक भाई को थोड़ा सा इसमें जो है हल्दी का फ्लेवर कम लग रहा था, हल्दी का जो रंग है वो कम लग रहा था, तो हल्दी थोड़ी और डाल दी गई है। यहाँ पे जो बन रहा है ना, दिस इज स्टिल थोड़ा सा मेरे हिसाब से इट्स इम्प्रोवाइज्ड, बट आप कमेंट करके बताओ कि ये असली अहुना मीट रेसिपी है कि नहीं है। सर ये क्या लगा हुआ है सर, इसमें क्या क्या है? इसमें चिकन है, दिखाइए थोड़ा। ये है जी आपका अहुना चिकन, और चिकन जो है वो मटके इसके तैयार होके पड़े हैं। मटन अभी आपको प्रिपेयर करके दिखाते हैं। ये देखो जी मटके लगा रखे हैं यहाँ पे चिकन के, और ये चिकन अहुना चिकन है। वाह, इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना काफ़ी गाढ़ी, जैसे एक सूखा सूखा सा मटन होता है ना, जैसे अचार होता है, वैसे वाली कंसिस्टेंसी है। और जितना भी चिकन है या मटन है वो सारा का सारा ना इसके खुद के जो जूसेस होते हैं उसमें पकता है, जिसको हम ब्रॉथ भी बोल देते हैं, उसी में पकता है ये। कितने घंटे लगते हैं भैया इसको पकने को? इसको कम से कम 1 घंटा 45 मिनट। 1 घंटा 45 मिनट चिकन। वाह मेरे भाई। और मटन को? मटन को 2 घंटे। मटन को 2 घंटे। एक भट्टी के ऊपर कोयला सेट करके गरम करके, और ये देखो मटकियां लगा रखी हैं, इस पे पकता है। पर आपको हम अपना वाला दिखाते हैं अभी कैसे बन रहा है। ये है जी एक मटकी अच्छे से धो के, अब ये आ गया जी इसके अंदर सरसों का तेल। सरसों का तेल डाल के अच्छे से मटकी को घुमा लिया गया, ताकि चारों तरफ, चारों दीवारों पे, वैसे तो सर्कल में दीवार होती नहीं है, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, पर चारों तरफ सरसों का तेल आ जाए। ये क्या है सर? ये आ गया जी लौंग। ये है जी जीरा, बहुत बढ़िया, सूखा धनिया, काली मिर्च, दालचीनी। ये आ गई जी सूखी लाल मिर्च, और अब इसको फिर से अच्छे से मिला लिया जाएगा, हिला लिया जाएगा, रला लिया जाएगा। जो मैरिनेशन है, जो प्रेपरेशन है, इसके साथ थोड़ी सी फिर से मसाज करी जाएगी। भैया इसका स्पा है ये? इसका स्पा हो रहा है, मसाज हो रही है, बॉडी मसाज, मैरिनेशन हो जाए पूरे अंदर से जी, बेस्ट तरीके से इसलिए हो रही है। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो जी प्याज आ रहे हैं, प्याज आ रहे हैं, प्याज का एक लेयर बना लिया जाएगा, जो मैरिनेशन के प्याज है ना, जो पहले से ही मिक्स करके रखे हैं अच्छे से खड़े मसालों के साथ। प्याज पहले इसलिए आए ताकि मटन नीचे ना लगे, जो नीचे लगेगा तो उसका एक कड़वा सा फ्लेवर आएगा। अब आ गया जी मटन का लेयर, और मटन के लेयर तो ऐसे भाई साहब के ख़त्म ही नहीं होंगे, बहुत सारा मटन है। मुझे लग रहा था मटका छोटा है, पर ये भाई बहुत ही बड़ा मटका है, पूरा का पूरा इसमें थाल समा गया, भर दिया पूरा अच्छे से। ये है जी आपका अहुना मीट मटके के अंदर। मटके के अंदर प्रेशर बनाने के लिए ये आटे से कवर कर लिया जाएगा, मटके का कवर जी। मैं ये पूछ रहा था भैया इसको क्या बोलते हैं जो कवर होता है? ये ढक्कन है। ढक्कन
अच्छे से आटे के साथ बांध दिया जाएगा ताकि पैक हो जाए और कहीं पे भी हवा या पानी या कुछ भी निकलने का मौका ना मिले। पूरी कवरिंग हो गई है, अब ये जाएगा जी पहाड़ों में सैर करने, है ना भैया? भाई धीरे धीरे धीरे, मैं इतनी स्पीड से नहीं भागता भाई। भट्टी सजाई हुई है जी, भट्टी के ऊपर है कच्चे कोयले और इनको थोड़ा सा पका लिया जाएगा। और ये आपका अहुना मीट आ गया जी सीधा भट्टी के ऊपर कोयलों के बीच में। भैया कितना टाइम लगेगा इसको? 2 घंटे। अरे भाई इसको 2 घंटे लगेंगे। अब आपको मैं एक बहुत ही बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं करी होगी कि अहुना मीट की वीडियो में एक ऐसी चीज़। और ये भैया पक्खी जल रहे हैं इसको। ये है जी यहाँ का स्पेशल मटन कोरमा। जो मसाले हैं ना वो एकदम बिहारी स्टाइल है यार, फुल ऑन, मतलब दिस इज लाइक लेवल 10। और ये है जी चिकन ग्रेवी। भाई साहब एवरीथिंग दैट यू सी हियर इज प्रिपेयर्ड इन अ बिहारी फैशन। मतलब वो जो चटाकेदार स्पाइसी मसालेदार जो सब्जियाँ होती है ना, और बात करते करते मेरे मुँह में पानी आ रहा है बिकॉज दी अरोमा इज मैजिकल। जो जैसे उन्होंने ये पतीला खोला मेरे मुँह में एकदम फुल ऑन पानी आ गया, क्या ही बात है। और ये है जी यहाँ की दाल मखनी। भाजी कितनी देर पकती रहती है? ढाई तीन घंटे पकी हुई दाल है जी, एकदम अच्छे से मज़ेदार पकी हुई धीमी आंच पे। यहाँ पे इसको तड़का या झोंका लग रहा है। और दाल के अंदर ये आ गई जी सबसे पहले क्रीम, दाल के अंदर मक्खन, बिकॉज दाल मखनी इज इनकम्प्लीट विदाउट मक्खन। और मैं आपको अहुना मीट की वीडियो में दाल मखनी क्यों दिखा रहा हूँ अभी बस विद इन अ कपल ऑफ सेकंड्स आपको बताता हूँ क्यों दिखा रहा हूँ। अहुना मीट वाली वीडियो में दाल इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि भाई साहब ये जो थाली लग रही है ना आपके सामने, ये पूरी की पूरी थाली इज ओनली फॉर 69 रुपीज। 70 रुपए से 1 रुपए कम में आपको पूरी की पूरी थाली मिल रही है। ये देखो गोभी के अंदर पनीर। भाई साहब पंजाब में हो आप तो कोई भी सब्जी हो जाए पनीर तो जाएगा ही जाएगा, क्रीम भी जाएगी, मक्खन भी जाएगा, पर ये गोभी वाला पनीर भी आपको 70 रुपए के अंदर थाली में मिल रहा है। भाई साहब अमृतसर में मैंने पनीर वाली भेलपुरी खाई थी, यहाँ पे पनीर वाली गोभी खाने को मिल रही है। और ये आपकी 70 रुपए वाली थाली के अंदर आ गई जी पनीर वाली गोभी, मक्खन से लिपटी हुई तंदूरी रोटी, जीरा राइस। लो जी आपकी 70 रुपए की थाली, 2 तंदूरी रोटियां मक्खन के साथ, सलाद, इसमें प्याज है, खीरा है, नींबू है, फिर दाल है जो 3 घंटे पकी हुई है, राइस है जीरा वाले, और ये है जी मेन चीज मतलब गोभी और पनीर। क्यों? क्योंकि वी आर इन पंजाब। भाजी एड्डी सस्ती क्यों है थाली? है एड्डी मतलब इतना तुम बढ़िया रेट कितना दे रहे हो? भाजी आजकल दे टाइम लॉकडाउन ने सारा सिस्टम ला के रखा हुआ है, तो असी भी उस हिसाब नाल निकल चुके हैं कि हां हर एक नु बजट च देइए। क्या बात है, जे हुन बंदे आउणगे खाणगे ठीक है अपने आप रेट तो जब बढ़ जाएगा, पर जो रेट असी रखिया हर एक दे बजट च, कोई गरीब नहीं कोई अमीर नहीं, सब लोग आके खाओ। जदों ये खोलिया सी ढाबा 5 साल पहला जी, साडा रिकॉर्ड सीगा 100 हांडी ਚਿਕਨ ਦਾ ਤੇ 50 ਕਿਲੋ ਬਰਾਨੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 4 ਕੁੱਕ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 2 ਹਾਂਡੀ ਔਰ 50 ਕਿਲੋ ਬਰਾਨੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਮੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੋ ਸਭ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹਮਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੇ ਪੜਨਾ ਤਾ ਤਬ ਵੀ ਹਮ ਚਲਤੇ ਰਹੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂਡੀ ਕਭੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਹੀ ਰਹੀ ਚਾਹੇ ਸਰੋਂ ਕਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏ ਚਿਕਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਕੋਲਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਛੋਟੀ ਇਲਾਚੀ ਬੜੀ ਇਲਾਚੀ ਲੌਂਗ पता नहीं क्या क्या डालता सर उसमें जी 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 जी। पर वो हाँ खिलानी है तो खिलानी और मेहनत तो सबसे ज्यादा लगती है उसमें। हमारा फ्रेंड था बिहार से तो वो कुक लेके आया था। अच्छा पहले हम प्रोफेसर थे जीजे 10 साल अरे क्या बात प्रोफेसर साहब हो तुसी इकट्ठे सीगे असि क्या बात है सर केड़े किथे किथे प्रोफेसर जीजे सच देव कॉलेज वाहेगुरु मैं बीटेक एमटेक जी बस साडा मेन मकसद सर यही है कि हर कोई आके इत्थे खावे वधिया चीज असि देण नु तैयार है बहुत अच्छा सर संदेश बहुत वधिया थोड़ा फीडबैक सानू दे के जान लोग ए नहीं है खा के चले गए नहीं सानू दस के जाओ असि उनू कमी नु ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਸਾਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਹਾਂਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਇਹਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਹਾਂਡੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲਾ ਆਉਂਦਾ ਲੱਕੜੀ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਸਰੋਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂਜੀ 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 ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਛੋਟੀ ਇਲਾਚੀ ਬੜੀ ਇਲਾਚੀ ਲੌਂਗ ਸਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ ਕੀ ਬਾਤ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇੰਨਾ ਪਿਓਰ ਖਾਣਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਯਹਾਂ ਕਾ ਮੈਨੂ ਆਪ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਸੇ ਪੜ ਲੋ ਇਸਕੋ ਥੋੜਾ ਸਾ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹਾ ਹੈ ਤੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਨਾ ਐਸੇ ਕਰ ਦੇਤਾ ਹੂੰ ਅਬ ਦੇਖੋ ਇਸਕੋ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੜ ਲੋ ਆਪ ਮੈਨੂ ਸਿਧਾਰਥ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਤਾ ਦੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਸਰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਜੈਸੇ ਆ ਬਸ ਸਟੈਂਡ ਸੇ ਆਓਗੇ ਖਰੜ ਮੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਰੋਡ ਆ ਜੀ ਜੇ ਨੀਅਰਸਟ ਹਮਾਰੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਜੀ
तो इसी रोड पे आपको 3-4 ढाबे मिलेंगे, ठीक है। फर्स्ट पिज्जा वाइट भी उसी के साथ हमारा, उसके आगे ही है जी मटका पंजाबी ढाबा। और गूगल मैप्स पे लोकेशन है सर ये वाली? उस पे है सारा। किस नाम से? मटका पंजाबी ढाबा। मटका पंजाबी ढाबा। एक सर टाइमिंग भी बता दो प्लीज। इसकी जो टाइमिंग है वो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक है। सुबह 8 से लेकर शाम को 11 बजे तक। भाई साहब लोकेशन समझ लो, ये जो उन्होंने लोकेशन बताई थी उसके हिसाब से ये है जी डैनियल स्वीट्स, सामने दानियाल स्वीट्स, ठीक है। ये इधर रोड पे ये आयरन फिस्ट जिम है ऊपर, ठीक है। और ये जो है ये है जी मटका पंजाबी ढाबा। अब देखो मटन जो है ना उसको पकने में ऑलमोस्ट 2 घंटे लग जाएंगे, उतने में ना रात बहुत हो जाएगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि ना आपको चिकन का स्वाद बटांदरा जो आज करता हूँ, और मटन का जो स्वाद बटांदरा है ना वो आप करना कॉमेंट्स में। ये देखो ये आ गया जी चिकन, और ये इनकी सर्विंग साइज जो है ये हाफ है भैया? हाफ। ये हाफ मटकी है या हाफ छोटी वाली मटकी है? बढ़िया बढ़िया पीसेस। और ये है जी लेग पीस, वाह जी वाह भाई साहब ये तो भर दी है पूरी। सर ये कितने की मटकी है? ये 300 की। 300 रुपए की जो हाफ साइज जो है, हाफ पोर्शन जो है वो 300 रुपए का है जी। यार आज तो ना मतलब नेक्स्ट लेवल की खुशी हो गई है, क्योंकि What I found here is like kryptonite, भाई साहब पंजाब में आपको अहुना मीट मिल जाए और क्या चाहिए, है ना। तो here एक तो इसको ना सर्व करना मुझे अभी आता नहीं, क्योंकि इस चीज़ में आई एम नॉट लाइक एन एक्सपर्ट, बट आई वॉन्ट टेक द बाइट, आई वॉन्ट टेक द लेग पीस आउट। तो क्या करते हैं ना ये पकड़ने के लिए हम ये वाह हियर इज लेग पीस। एकदम सिंपल सा सेटअप है, एकदम होमली सा। ये एक बढ़िया सी हम ना सर्विंग डालते हैं इसमें, एंड ये जो मटकी की आवाज़ है ना ये आए हाय। इस कैमरा में आंखें हैं, कान है, बट आई विश एक नाक होता। तो ये है जी एक तंदूरी रोटी, एंड लेट्स टेक अ बाइट आउट ऑफ दिस। ये एकदम क्रिस्पी रोटी है, मैदा नहीं है इसमें, आटा है। मतलब वो बोल रहे हैं कि इसमें मैदा नहीं डालते वो। तो हियर इज अ ब्यूटिफुल सी बाइट, एंड लो जी हियर्स अ बाइट। ओए होए 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 भाई साहब जो चिकन है ना इट्स ऑलमोस्ट फॉलिंग ऑफ द बोन। द रीजन इज कि इतने लंबे टाइम के लिए पकता ही है, एंड हियर इज अ ब्यूटिफुल सी बाइट। लेट्स डिप इट इनटू द मसाला। वो जो मसाला है ना आई वांट टू टेक अ लॉट ऑफ दैट मसाला इन। ये जो दिस मैजिकल गाढ़ा मसाला, हियर्स अ बाइट। पहले कभी चखा ही नहीं है यार, सरसों के तेल में जो मिट्टी की जो सुगंध आई है ना, और कोयले का जो धुआं है इसमें वो फ्लेवर आ रहा है, स्मोकी फ्लेवर पूरा आ रहा है। आई थिंक आज से अहुना मीट और अहुना चिकन इज माय फेवरेट। बहुत बढ़िया चीज़ है यार, मज़ेदार।